उज्जैन के किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान बिल के फायदे बताए। इसमें जिले भर के किसान भी पहुंचे थे। नगर के आगर रोड पर किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कृषि बिल किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा और किसानों को लाभ मिले, फायदा मिले, उसी को लेकर इसको शुरू किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस गलत जानकारी फैलाकर किसानों को गुमराह कर रही है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री कमल पटेल, स्कूल शिक्षा मंत्री मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन मौजूद थे। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। व्यापारी मेरे पास आता है और मैं कहता हूँ कि मेरी फसल की कीमत है, आपको लेना है कि नहीं लेना है, और व्यापारी कहता है कि मैं लेने के लिए तैयार हूँ, तो मेरे मित्रों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसमें मोदी जी ने क्या गलत कर दिया है? किसान को अधिकार दिया है, किसान को आजादी दी है, किसान को एक कहा है कि अपनी फसल की कीमत तैयार करने के लिए तो आपको आजादी देने कदम कदम पर धोखा देने वाले मेरे मंत्रिमंडल के साथ ही बैठे हैं। हम तो कोरोना काल में बने, व्यवस्थाएं कुछ बनी नहीं थी, फाइलें हमने झाड़ पहुंच के देखी तो पता चला कमलनाथ दादा 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का प्रीमियम ही खा गए। सरे हम कह रहा हूं महाकाल महाराज के नेतृत्व 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का प्रीमियम दादा ने जमा किया ही नहीं, 3100 करोड़ किसान को मिले नहीं। मुझे गर्व है कहते हुए पहला फैसला हमने किया कोरोना की कड़की में 2200 करोड़ रुपया निकाल के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा किया और 3100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में भेजने का काम इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इनको जवाब देना चाहिए। 19 का 20 का फसल बीमा योजना का रबी का खरीफ का प्रीमियम खा गए, फिर वो प्रीमियम जमा करके किसान भाइयों 4600 करोड़ रुपया फिर किसान के खाते में डाले, इसी उज्जैन जिले में 800 करोड़ रुपया से ज्यादा किसान के खाते में डालने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, शिवराज सिंह चौहान ने किया। और केवल इतने ही नहीं, 0% ब्याज पर फिर कर्जा हमने देना शुरू किया। अगर मैं गिनाऊंगा तो इतना हो जाएगा, जब तक ये बता रहे आपके सामने, इन्हें इतनी बेईमानी की कि प्रधानमंत्री जी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा भेजते और होना चाहिए कि नहीं, इसमें कोई बुराई है क्या? ये किसान विरोधी है? अरे भैया किसान विरोधी नहीं तो काहे को खून के आंसू बहा रहे हो? मोदी ने माल डाला, मोदी ने गलत कर दिया। मेरे बहनों और भाइयों, मोदी जी ने अधिकार दिया है, रेट मिले वहां बैल डालो, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो आंसू आ रहे हैं तो प्याज के दाम जरा बढ़ जाए तो कहते प्याज आंसू निकाल रही है। अरे थोड़े बहुत रेट किसान को मिल जाने रे, जरा प्याज के रेट बढ़ गए तो आसमान सर को उठा लेते, वही वो वही आते हैं प्याज के रेट बढ़ गए, टमाटर के बढ़ गए। अरे बढ़ जाएगा 20-25-40 रुपया किलो खरीदी तो 2 रुपया किलो भी तो खरीदते हो। टमाटर के बढ़ गए, टमाटर लाल हुआ 50 रुपया किलो, अरे ठंडी भी तो बेचते 50 रुपया किलो बेचते। किस प्रकार से किसानों के लिए फायदेमंद रहेंगे और किस प्रकार से क्या रहे? सभी वरिष्ठ नेता और पार्टी के पदाधिकारी और संभाग से हुए सभी किसान बंधु, आप सब लोग 12 बजे से अभी 6 घंटे 12 बजे से 6 बजे तक लगातार हजारों हजार की संख्या में प्रधानमंत्री के आपने भी ये जो कानून है किसानों के लिए किस प्रकार से फायदेमंद रहेगा और क्या रहेगा? कल्पना कीजिए, वो अक्सर बनाते जब किसान के खेत पर बिजली नहीं होती थी, जनरेटर से सिंचाई करता था, खेतों तक पानी पहुंचाता था, उसको बिजली नहीं मिलती थी, ट्रांसफार्मर के लिए चक्कर काटना पड़ता था।
इस समय में जो कानून बने सभी किसान इसके साथ है, लेकिन बिजली नहीं मिलती थी। कांग्रेस पार्टी और इसके समर्थित वामपंथी दल जो ये कानूनी संगठन है किसानों को भ्रमित कर कर जो आंदोलन कर रहे हैं उसका हम विरोध करते हैं और इस समर्थन के लिए जो माननीय शिवराज सिंह जी संबोधित करने आ रहे हैं, इसमें शिवाजीगंज मंडल की सहभागिता सभी किसान इसमें सभी पगड़ी पहनकर आए हैं। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।